3 किलोमीटर आगे है। अच्छा। वहाँ से आते हैं रोज किराया लागे है, क्योंकि वहाँ की परेशानी है। अच्छा। इस करके भगवान की दया हो। हाँ जी दाऊ जी। हम तो ना तो प्रशासन ने टोक दे। हाँ। हम तो गम्मा में MPML आओगे नहीं। हाँ। बस उनकी देखा मैं। उनकी देखोगे। हाँ। बस हमें और प्रशासन जो मारा है। हैं सर तीन देख दे, हमें तो भगवान का दवा करते हैं। हाँ। हमारा रिजल्ट आओगा संयम से। हाँ। संयम से रवांगे, अपना प्रशासन आप देखो उनका, हमें नहीं आवांगे। इनको पसाण आ जाएंगे, पसेन करण आ जाएंगे तो 3 महीने पर माला है अभी, फिर इनकरण आ जाएंगे। भाई खेदड़ गांव में फिलहाल मौजूद हूँ, जहाँ तकरीबन पिछले 90 दिनों से धरना किया जा रहा है हमारी गौ माता के हक के लिए। दरअसल इन लोगों का कहना है कि यहाँ खेदड़ पावर प्लांट से जो राखी निकलती थी वो जो है गौशाला को दे दी जाती थी, उसकी कमाई से जो है गौशाला चलाई जाती थी, मगर कुछ समय से सरकार ने या थर्मल पावर प्लांट की जो मैनेजमेंट है उसने ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे गौशाला को चलाने में परेशानियाँ आनी पड़ी। मजबूरन गाँव वालों को धरने पर बैठना पड़ा। दो महीने जो है लगातार धरना चला, उसके बाद आखिरकार हार करके जो रेल जो है यहाँ कच्चा कोयला लेकर के आती है वो ट्रैक रोकने की बात कही गई, एडवांस नोटिस दिया गया और उसमें हुआ लाठीचार्ज, जहाँ पर खूब झगड़ा होने के बाद, बहुत हल्ला होने के बाद जो है बताया ये जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई, जहाँ पर कहा यह जा रहा है कि उनकी जो मौत है वो लाठी लगने से हुई है। हालांकि पुलिस के बयान कुछ और ही है इस मामले में, मगर अब बात यह है कि मुद्दा तुल पकड़ चुका है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग नेताओं के ऊपर भी केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक नाम रवि आजाद भी है और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन पर नेम जो है केस दर्ज किया गया है। तकरीबन 800 लोगों को अन्य की सूची में रखा गया है, 302 का मुकदमा है और भी न जाने कितने मुकदमे हैं। तो चलिए इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई पूरा मामला क्या है और आने वाली 13 तारीख को क्या कदम ये लोग उठाने वाले हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स। तो भाई खेतर धरने से रवि आजाद फिलहाल मेरे साथ हैं। तो रवि जी मुझे बताइए कि अभी आप लोगों पे जिस तरीके से केस भी किया गया है, तो आगे आप लोगों के कदम क्या रहने वाले? देखिए, एक हमारे किसान भाई हैं धर्मपाल सारण, उनकी शहादत हुई है, उनकी हत्या हुई है जी। और बहुत सारे लोगों को चोटें लगी हैं और मेरे सहित 10 नामजद और करीब 800 अन्यों पर 302 के, 307 के और जितनी धाराएं इनके पास हो सकती हैं, मुझे लगता है कोई एक आधी छोड़ के सारी लगा रखी हैं, और एक बेवजह का प्रेशर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आदमी हमारा गया है जी। पुलिस की लाठी से गया है, पुलिस इसको शो करना चाह रही कि इसकी मौत ट्रैक्टर के नीचे आने से हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर हो चुका है जी। दूसरी बात, मीटिंगों में हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बात, गांव में दहशत बढ़ाने के लिए यहाँ पे पुलिस दबिश दे रही है। आज यहाँ से बिल्कुल ये स्पष्ट चेतावनी सरकार और प्रशासन को दी गई है कि हम स्वाभिमान के साथ समझौता करेंगे, हम जो है जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तुरंत निरस्त हो, हमारे जो 4 भाई जेल में हैं उनको तुरंत बाहर निकाला जाए और इसके अलावा जो शहीद परिवार है उनको 25 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और जिन मांगों को लेकर के राखी को के साथ साथ जो तमाम दूसरी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है, सब मांगों पर बातचीत होगी। अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक मुकदमे वाला मामला, जब तक रिहाई वाला मामला और जब तक कंपनसेशन और नौकरी वाले मामले का समाधान नहीं होगा। इसके अलावा पुलिस प्रशासन को और सरकार को ये स्पष्ट चेतावनी दी गई है, हमें कोई गरज नहीं है तुम्हारे से बात करने की, तुम्हें अगर ज़रूरत हो तो बात करो, और आज की जो वार्ता होगी या जब भी हमारे पास निमंत्रण आएगा तो वो वार्ता हाँ और ना में है। पुलिस प्रशासन जो यहाँ एक कमेटी गठित करी गई है अधिकारियों की, जिसमें IAS और IPS हैं, तो वो अपनी खाल बचाने के लिए काम कर रहे,
पुलिस अपनी खाल बचाने के लिए काम कर रही। अगर हमने कोर्ट के अंदर इस्तगासा डाल दिया जो हमारे किसान की मौत हुई है, तो हम भी फिर कोर्ट में घसीट करके ले जाएंगे और सड़क के ऊपर आंदोलन की लड़ाई भी लड़ेंगे। और जो गाँव में दबिश दी जा रही है या जो एक मानसिक दबाव बना करके दहशत जो बनाने का काम किया जा रहा है, उसमें भी ये स्पष्ट चेतावनी है कि हम इस दहशत से डरने वाले नहीं हैं। पुलिस प्रशासन फालतू की एक्टिविटी गांव खेदड़ में या आंदोलन के स्थल के आसपास ना करे, नहीं तो हम बंधक भी बना सकते हैं। गुस्सा इतना है लोगों के अंदर। जी बिल्कुल, राखी के ऊपर जो है ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जो गांव जो खेदड़ से जो राखी जो निकलती थी वो गौशालों को मिलती थी, उसको लेकर के आपके क्या विचार? देखिए, वो जो राखी का मुद्दा था, ये जो प्लांट यहाँ बना, रात को हमने गाँव में देखा कि आसमान में रात को भी पूरी तरह से धुआं छाया हुआ और प्रदूषण इतना होता है उससे कि आप सफ़ेद कपड़ा भी बाहर नहीं सुखा सकते। सफ़ेद सुखाएंगे वो काला हो जाएगा। लोगों के फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, उनको अलग अलग हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यानी कि यहाँ जो प्लांट लगा वो फ्री में ज़मीन ले गया गाँव की, और उसके बाद केवल और केवल यहाँ बीमारियाँ छोड़ के गया। फिर ये जो राखी यहाँ से निकलती थी, प्लांट प्रशासन ने घुटने टेक के हाथ जोड़ के गाँव की पंचायत को ये कहा कि इसका समाधान करो। इनको कई बार फाइन भी लगा, बरवाड़ा के लोगों की बहुत शिकायत थी, आसपास के जो गांव हैं उनकी बहुत शिकायत थी। जब गांव ने इसका समाधान निकाल दिया, वहां से कुछ पैसे की आमदनी लोडिंग के माध्यम से होने लगी, तो राखी का समाधान निकला। वहां से जो कुछ पैसा आया, गांव ने सहमति से कि भाई गौशाला हम बनाएंगे, ज़मीन पंचायत देगी, और उसके संचालन के लिए जो लोडिंग से पैसा आता है उससे हम इसका संचालन करेंगे। लेकिन जब उनको लगा कि यार इसमें तो दो पैसे का फायदा हो रहा है, तो रणजीत चौटाला जो 8 तारीख को यहाँ जो घटना हुई है, जो पुलिस का कातिलाना हमला हुआ है, उसके जिम्मेदार रणजीत चौटाला है, इस आंदोलन के जिम्मेदार रणजीत चौटाला है, वो अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में हमारे किसान की शहादत ले ली उन्होंने। यहाँ सड़कों के ऊपर हमारी माताओं बहनों का खून बहा, बुजुर्गों को पीटा गया है, और मुद्दा गौशाला का यही है कि भाई खोली जब राखी के लिए गई थी तो उसी से इसका संचालन होगा, और जब तक इस पे समाधान नहीं हो जाता है, पिछले लगभग 90 दिन से यहाँ एक कण भी राखी नहीं उठाने दी गई है। राखी का जो काम चलता था वो गौशाला के लिए चलेगा, चाहे तो सरकार राजी होके मान ले, और नहीं हमें दूसरे तरीके से भी मनाना आता है, मनाएंगे, गौशाला चलेगी और इसी तरीके से चलेगी। तो साथ ही कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, बुजुर्ग हैं। और लेकिन नम्रनाथ साहब, सबसे पहला सवाल तो आपसे कि आज जिस तरीके से गौशाला को चलाने को लेकर के जो झगड़ा शुरू हुआ या जुधरना शुरू हुआ, आज वो एक बेहद बड़े लेवल पर चला गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बेहद बड़े लेवल पर जाने के लिए और धरना लंबा चलने के लिए, लोगों की परेशानी के लिए हमारे सूबे की सरकार और जिला हिसार का प्रशासन जिम्मेदार है। और 8 तारीख की जो घटना है, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे जिला हिसार का SP साहब है लोकेंद्र सिंह, सारी जिम्मेदारी उसकी बनती है। और फिलहाल सतेंद्र सहारन मेरे साथ हैं, जो खेदड़ गांव के अंदर जो धरना चल रहा है, इनकी देख में चल रहा है, सब कुछ जो है यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो जहन साहब मुझे बताइए, लगातार तकरीबन 90 दिनों से धरना चला गायों के हक के लिए, हक मिलना तो दूर, एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी, अब लगातार प्रशासन से मीटिंग्स चल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे सीन पर? कहना तो यही है जी, 3 महीने के लगभग हमारा आंदोलन होगा, शांति प्रिय चल रहा था बिल्कुल, लेकिन सरकार का प्रशासन की मंशा खराब थी। हमारे एक भाई की इन्होंने शहादत ले ली जानबूझ के, पुलिस की लाठियों से वो हमारा भाई अपनी प्राणों की आहुति दे गया। और हम भी ये कहना चाहते हैं प्रशासन को, सीधी मंशा करके गौओं का आप निवाड़ा छीना काम ना करें, गौओं हक देना काम करें, और जो सामाजिक ताना बाना 302 के और 307 के पर्चे के माध्यम से सामाजिक ताना बाना माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश कर रही है, वो सारी 13 तारीख को उनकी दूर हो जाएगी। 13 तारीख को पूरे देश भर से लाखों की संख्या में किसान, मजदूर और गौ सेवक सभी हमारे यहाँ महापंचायत में जुड़ने वाले हैं। और मेरी फिर सीधी खुली चेतावनी है सरकार को और प्रशासन को, सीधी मन साफ मन से और सीधी मनसा से आप इसका हल निकालिए, अपना लालच छोड़िए, वरना ये बात आपको भारी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं जिस तरीके से आप लोगों का धरना एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है, ऊपर से प्रशासन का ऐसा रवैया, क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में क्या हुआ, संवेदनहीन सरकार है, इस संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है।
ये बताओ, गाय के ऊपर भी ये राजनीति कर रहे हैं, गौशाला जिसे चलती है इस राखी से, और उसके ऊपर भी सारी घटिया सारी बातें कर रहे हैं। 3-3 महीने लगातार रोड के ऊपर लोग बैठे हैं, किसके लिए? गौ माता के लिए, और उस पर भी सारी बातें कर रहे हैं, और एक आदमी की असरिया हत्या हो जाती है। तो मैं तो इस तरह बिल्कुल शर्मनाक घटना कहूँगा, और आदमी भी हमारा मरता है और मुकदमे भी हमारे ऊपर दर्ज होते हैं। आप लोगों की टीमें जो है यहाँ मीटिंग जाकर के जो है प्रशासन से मिल भी रहे हैं, आप लोगों की जो टीम है, तो उसके साथ प्रशासन का बिहेवियर किस तरीके का है, उनमें क्या कुछ बातचीत है फिलहाल? देखिए, उसमें कल भी मीटिंग हुई प्रशासन के साथ, परसों भी रात को 12 बजे तक हुई थी, परसों रात वाली में कुछ नहीं निकला, कल भी दिन में मीटिंग हुई थी, उसमें भी कोई सामने बढ़िया वाली बात नहीं हो पाई। और उसके बाद भी ये कही थी कि जो मुकदमे, सबसे पहले मुकदमे वाली बात थी, सेकेंडरी थी जो हमारे धर्मपाल भाई जो शहादत दे गए इसके अंदर, कि उसके परिवार को मुआवजा, एक आदमी को नौकरी, और हमारे जो बच्चे 4 बच्चे हैं जिनके ऊपर 302 के मुकदमे हैं, हमारे किसान साथियों पर 302 के और 307 के मुकदमे दर्ज हैं, कि सबसे पहले बच्चे हमारे बाहर हैं जेल से, उसके बाद अगली बात करेंगे। वहाँ गैदी नगर गाँव में किन्नर गाँव में किन्नर गैदी नगर सुबह सिंह नाम है, रोजाना वहाँ हम गुआ ही रिक्शा करते 3 किलोमीटर आगे है। अच्छा। वहाँ से आप रोज किराया लागे है, क्यों गौ की परेशानी है। हाँ। इस करके भगवान की दया हो। हाँ जी दाऊ जी, हम तो ना तो प्रशासन ने टोक दे। हाँ। हम तो गम्मा में MPML आओगे नहीं। हाँ। बस उनकी देखा मैं देखोगे। हाँ। और प्रशासन जो मारा है, हमें तो भगवान का दवा करते हैं, हमारा रिजल्ट आओगा संयम से। हाँ। संयम से रहेंगे, अपना प्रशासन आप देखो उनका, हमें नहीं आवाएंगे, इनको पसाण आ जाएंगे, पसेन करण आ जाएंगे, तो 3 दिन पर मारा है फिर इनकर्ण आ जाएंगे। ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं जो गायों के लिए, गायों का उनका हक दिलवाने के लिए जो है लेकर के आते थे, इस तरीके से लाठी का सहारा लेकर के, जरूर लाठी लेकर के चलते हैं ताकि इसका सहारा लिया जा सके, लेकिन पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया, या पुलिस का कहना कुछ और ही है, और इन पर जो है केस हुए, इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, ऐसा इन लोगों का आरोप है, हालांकि पुलिस का कहना कुछ और ही है। बल इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स।